अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं बैरियर सेंटर, सिविक सेंटर जो होता है बैरियर फेज़ 4। तो उससे पहले मैंने यहाँ से कपड़े उठाने खैबानी सर से, ये तो मैंने कहा पहले टेलर के पास चलते हैं, मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े हैं मैंने सिलाई के लिए दी हुई हैं, तो वो वहाँ से ले लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ टेलर की शॉप पे पहुँच गया हूँ, तो यहाँ से कपड़े उठाते हैं। बाइक के वाले भाई को यहाँ पे मैंने रोका है, तो अभी हम वहाँ पे टेलर के पास पहुँच गए। मैंने अभी ने कपड़े कहे हैं कि मेरे निकाल के दें, मेरे कपड़े निकाल लिए। ये मेरे कपड़े रेडी हो गए, अभी हम लेके निकले, तो अभी हम सिविक सेंटर की तरफ जाएंगे। ये देखिए तंग तंग गलियों से ये रास्ता से निकल रहे हैं, इन रास्तों को मैंने पहली दफ़ा देखा, बहुत तंग गलियाँ हैं। अभी हम सैदपुर रोड पे पहुंच गए, चांदनी चौक की तरफ जा रहे हैं। ये सारी कारपेट वाली शॉप्स थी, और ये अलहमीद शादी हाल है, बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया है इसको। रावल रोड पहुंच गए, रेस्क्यू 112 का ऑफिस। ये सारी फ्रूट वाली, इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टॉल लगे होते हैं फ्रूट्स के रात के टाइम। राइट आता हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अभी ये हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसके पास पहुँचे। ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को हम क्रॉस कर रहे हैं राइट साइड पे ना, कार्डियोलॉजी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहुत बड़ा दिल के अमराज का हॉस्पिटल है। ये देखें बाबर आजम, बस आप ये यू फोन के ऐड ही कर सकते हैं, और तो इन्होंने क्रिकेट तो खेलनी कोई नहीं है। ये देखिए अभी लंडे की सारी ये इधर ठेले लगे हुए हैं, ये सारे मतलब ना काफ़ी सर्दियों का स्टॉक आए हुए हैं। अभी बाइक पे जा रहा हूँ, बहुत ठंड है, काफ़ी ठंड लगी हुई, इसलिए मैंने अपने वो कवर कर लिया। ये अभी हम आर चौक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से रॉन्ग जाएंगे क्योंकि उसके अलावा यू टर्न काफ़ी दूर है, यहाँ से हम अपने रॉन्ग जा रहे हैं। ये अभी हम अंडर पास की तरफ जाएंगे, वो स्कीम 3 वाली साइड से ना, तो अभी हम अंडर पास से गुजर रहे हैं। काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत ऐसे मतलब ये अंडर पास है इस टाइम लग रहा है रात के टाइम। ये अभी हम स्कीम 3 वाली साइड से, मार्केट है काफ़ी प्यारा ऐसे रोड है, मार्केट भी बहुत बड़ी है, खूबसूरत एरिया है। ये अभी हम बोस्तान रोड है वहाँ पे पहुँच गए, वैसे बहुत रश होता है आज, इतना रश है नहीं, वैसे आज खाली पड़ा है रोड,
काफ़ी हम स्मूथली जा रहे हैं, नहीं तो इस रोड पे गुजरना वैसे बड़ा मुश्किल होता है। ये अभी हम कार चौक में पहुंच गए। ये देखिए कार लटकी हुई है चौक में, बहुत पुरानी ये मतलब है, इस कार एक सिंबल के तौर पे लगाई हुई है पिंडी में कार चौक। ये अभी हम गुलरेज वाली साइड से एंटर हुए हैं, गुलरेज वाली साइड से जो बहरिया को गेट जाता है वहाँ से हम जा रहे हैं। ये सारा गुलरेज का एरिया है जहाँ से अभी गुजर रहे हैं, गुलरेज पिंडी भटकड़ाई। वाह, ये अभी हम बहरिया की तरफ एंटर हो गए। इस टाइम बैरियर का बहुत अच्छा सीन होता है, बहुत मज़े के ऐसे रोड्स और खाली ऐसे रोड्स लगते हैं। अभी हम सिविक सेंटर के करीब हैं, बैरियर फेज़ 4। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी प्यारा व्यू है, इसका भी काफ़ी अच्छा प्यारा बना हुआ है रेस्टोरेंट। तो अभी हम ये सिविक सेंटर में इंटर हो गए हैं, यहाँ से मार्केट सारे स्टार्ट हो गई है, पूरा ये कमर्शियल हब है, वहाँ पे हम इंटर हो गए। यहाँ पे बस अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे राउंड लगाना है, मैंने एक दो इधर काम है, मैंने कहा चलो यहाँ से घूम फिर आते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे ऐसी शॉप्स और ब्रांड्स हैं और काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स, हर बड़ा वीआईपी सेक्टर है। ये को फार्मेसी की शॉप थी। ये को सैलून है, मेन सैलून, यहाँ पे सैलून स्पा काफी वीआईपी किस्म के हैं। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, गिलगित बल्तिस्तान ड्राई फ्रूट की शॉप है। ये पूरा ऐसे कमर्शियल एरिया है, ये एक राउंड राउंड अबाउट से बना हुआ है। अभी हम ये राउंड अबाउट से घूमेंगे और यहाँ पे आगे KFC वाली साइड पे जाएंगे।
ये स्वीट शॉप है सारी, IDC, इसकी ब्रांचेस तो हर जगह है। यहाँ से अभी हम KFC की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपको किसी और रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी एरिया की सैर कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस पहुँचती रहें। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।